हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं कक्षा 10th B की छात्रा हूँ। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी देशवासियों के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी ने हमें विश्व भर में पहचान दिलाई है और हिंदी विश्व की प्राचीन और सरल भाषा है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस भाषा के रूप में कहा था और उन्होंने सन 1918 में आयोजित हिंदी सम्मेलन के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया। ये सत्य है कि भारत सालों से अंग्रेजों का गुलाम रहा, यहाँ तक भाषा में भी उसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को अपने ही देश में हीन भावनाओं से देखा जाता है। हमारे देश में हिंदी बोलने वालों को अनपढ़ कहा जाता है और ना जाने क्या क्या कहा जाता होगा, और अंग्रेजी में बोलने वालों को आधुनिक कहा जाता है। ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदी के कई शब्द तो चलन से ही हटते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदी दिवस का मनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। आओ हम सब मिलकर इस हिंदी दिवस में एक शपथ लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका हम सम्मान करेंगे और अपने ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो शब्द भारतीय नागरिकों के लिए कहना चाहूँगी कि एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।